इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थ जागरण अभियान के अंतर्गत हम ये 12 साल से यात्रा कर रहे हैं। सभी तीर्थों का आध्यात्मिक उन्नति हो और उनका विकास सौंदर्यीकरण हो, उसके लिए हम 24 कोस की पदयात्रा करते हैं और 84 कोस की ब्रह्मा जी के रथ के द्वारा रथ यात्रा करते हैं। सभी तीर्थों में सभी जगह जाते हैं, ब्रह्मा जी का रथ जाता है। 27 हमारी दूसरे वाहन है जो 108 गांवों में गए हैं 4-5 दिन में और लगभग 400 से ज़्यादा गायत्री यज्ञ वहाँ हुए हैं विपरीत परिस्थितियों में और 500 से अधिक बड़े बड़े वृक्ष हमने जहाँ 4 दीवारी थी जहाँ चाँद तो उनमें लगाया, जहाँ 4 दीवारी में जितने टी गार्ड के सेट लगाए हर साल लगाते हैं। और हमारा उद्देश्य ये सिर्फ जागरण हो, इन तीर्थों में जो ठहराव के स्थान हैं उनका विकास होना बहुत जरूरी, वहाँ ठहरने की व्यवस्था होनी जरूरी। हमारे कल जो ठहरने की व्यवस्था पुष्कर कूड़ा पुष्कर में थी वो गड़बड़ा गई, सभी यात्रियों को लाना पड़ा और तत्काल जगह जगह उनको अलग अलग धर्मशालाओं में अलग अलग कमरे लेकर के पीपा हाउस में सब जगह उनको। आज रथ यात्रा पूरी हो गई, ये पदयात्रा भी पूरी हो गई, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे और यहाँ हम प्रारंभ बरागार से करते हैं और समापन ब्रह्मगार से करते हैं। तो इस घाट से हमारे माननीय पंडित जी के द्वारा पूजा करा दी, संकल्प करा दिया, अब ये आज का काम विसर्जन हो गया, यात्रा विसर्जन हो गई है, अब अगले साल वापस ये यात्रा। कौन 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 मुख्य अतिथि आए कार्यक्रम में? मुख्य अतिथि में आज तो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज सतीश जी कौशिक और हमारे कमल जी पाठक सभापति और पार्षद लोग थे और प्रारंभ में हमारे मुख्य अतिथि लखावत साहब और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बड़ाना जी और अन्य संत महानुभाव। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम पाली। कार्यक्रम मुख्य अतिथि होंगे तीर्थ जागरण पदयात्रा 27 जुलाई 11 के दिन प्रारंभ हुई और आज हरियाली अमावस्या के दिन ब्रह्म घाट पर इसका समापन कार्यक्रम हुआ। आज के समारोह के मुख्य अतिथि कमल जी पाठक सभापति नगर परिषद पुष्कर रहे, अध्यक्षता श्रीमान सतीश जी कौशिक न्यायाधीश नागौर इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करी। इसके अलावा पार्षद यात्री परिजन करीब 600-500 से लेकर 600 तक पदयात्री और इन 5 दिनों के दौरान ये गांव-गांव घर घर जाके उन्होंने गायत्री यज्ञ किए, वृक्षारोपण किए, विभिन्न प्रकार के विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, अलग अलग 84 कोस के वाहनों से यात्रा की गई और 24 कोस से यात्रा पदयात्रियों की यात्रा हुई। आज जो कृष्ण की पूजा और अभिषेक किया गया क्या कामना की गई? इसमें विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, व्यक्ति निर्माण हो, परिवार निर्माण हो, समाज निर्माण हो, समाज का उत्थान हो, ये विशेष रूप से इसकी प्रार्थना करी। पुष्कर में खुशहाली आए और साफ सफाई रहे, पुष्कर राज में पवित्रता बनी रहे। आपका नाम? डॉक्टर सुरेश वैष्णव। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.